लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में फिर से पर्यटकों की हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर यहां पर पर्यटकों की भीड़ कम हो गई थी। आज यहां पहुंचे लोगों से समाचार एक्सप्रेस की टीम ने बात की। समाचार एक्सप्रेस से खास बातचीत में सुनिए पर्यटकों ने क्या कुछ कहा। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। चंडीगढ़ की शान और चंडीगढ़ की पहचान से रॉक गार्डन को जाना जाता है। रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया, कब यह बनाया गया, किस व्यक्ति ने इस कलाकृतियों का निर्माण किया था, यह सब तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इससे पहले समाचार एक्सप्रेस की टीम यहाँ के लोगों से जानेगी कि आप लोग कोरोना के बाद जो है यहाँ घूमने आए हैं, किस तरह का एंजॉय जो है आप लोगों ने यहाँ पर किया है और क्या आप लोगों को इसकी विस्तार से जानकारी है। जी चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या कुछ आपने यहाँ पर एंजॉय किया। जी मैं आया हूँ अमृतसर से और आई थिंक लास्ट एक साल ऑलमोस्ट के बाद जो ब्रेक है तो देखते ही बन रहा है कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वे पीपल कैन यू नो इन्जॉय देमसेल्फ और बस मज़े करिए, अपने आप को सेफ रखिए और रूल्स फॉलो करें, बाकी अपने भी सेफ रखें, बाकियों को भी सावधान रखें, बाकियों को भी सेफ रखें और खुशहाल रहें। रॉक गार्डन में क्या कुछ खास देखने को मिला आप? देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका ये नहीं कहेंगे कि अरे पिकनिक स्पॉट है या वो आई थिंक आपको पुरानी जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू है और कहीं ना कहीं मैं यही सोचूंगा, आई थिंक पीएम साहब जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे उनको भी यहीं लेकर आए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन से साल में बट कुछ 4-5 साल पुरानी बात है और तब से रॉक गार्डन कुछ ज़्यादा लोग चंडीगढ़ के बाहर भी जाने लगे, तो इसकी महत्ता पुरानी है बट ऐसा होना चाहिए यहाँ पे कि कोई थोड़ा गाइड हो जो बताए कि क्या है, अदरवाइज़ आप तो यूट्यूब पे गूगल पे सब कुछ निकाल ही सकते हैं। बट एक अच्छी जगह है जहाँ पे फैमिली देख रहे हैं आप, सभी फैमिली हैं और कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है और बस यही है। मेरा नाम अमर है। तो ये कुछ सैलानी मेरे साथ थे, इन्होंने बताया कि जो कलाकृतियाँ अद्भुत तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं उनका एक विशेष ही जो है विशेष तरह से महत्व है और विश्व लेवल में रॉक गार्डन को जो है इसकी कलाकृतियों की पहचान से ही जाना जाता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका, आइए। मेरा नाम एजाज है। जी क्या नाम है सर? एजाज जी। रॉक गार्डन में आप लोग आए हैं कोरोना काल के बाद, कैसा अनुभव? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को और रॉक गार्डन की महत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी चीज़, जिस तरह से इन चीज़ों को जो हम फेंकते हैं, जो चीज़ें हम फेंकते हैं उनको जमा करके ऐसी चीज़ बनाई गई है वेस्टेज में, इनको तब्दील कर दिया गया अच्छे गार्डन में, ये बहुत अच्छी बात है। जी तो ये थे मेरे साथ कुछ सैलानी जिन्होंने बताया कि टूटी फूटी चीज़ों को जो है, जिन चीज़ों को हम लोग फेंक देते हैं उससे एक बेहतरीन गार्डन तैयार किया गया है और टूटी फूटी चीज़ों से किस तरह से ये गार्डन तैयार किया गया है ये सब आपको समाचार एक्सप्रेस की टीम आज दिखा रही है। जी जिंदगी जी क्या कह रहे हैं आपका, आज आप लोग गार्डन में घूम रहे हैं, मज़ा आ रही है। क्या कुछ खास देखा? खास अभी तो देखते, आगे देखते, अभी तो फिलहाल तो जो भी दिखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया जी। कोरोना काल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे खुले यार बढ़िया अच्छा लग रहा है, सारे पर्यटक बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे घूमने फिरने, बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे, हम भी बहुत खुशी हुई, चलो कोरोना भी अब सब खत्म ही है फिलहाल भी, तो इस तरह तो खुशी हम मतलब घूमने फिरने किन्नौर से, हम भी किन्नौर से ये हिमाचल में नहीं किन्नौर लास्ट दो रोड से। ठीक कुछ सैलानी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहना है इनका रॉक गार्डन को लेकर। जी मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है और हम लोग इंदौर से आए हैं। जब भी हम लोग चंडीगढ़ आते हैं तो स्पेशली रॉक गार्डन आते हैं, बिकॉज जितनी मर्जी बार आओ ये हमेशा नया लगता है, तो जिस भी बंदे ने बनाया है ये नेकचंद जी ने बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। थैंक यू। मेरे को गार्डन में आना बहुत अच्छा लगा। जी क्या एंजॉय किया आपने? मैंने बहुत कुछ एंजॉय किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी के और बहुत सारा ऐसे मटेरियल्स देखे जिससे बनाए गए हैं और ये पानी देखा, बहुत कुछ देखा मैंने गार्डन। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में? मेरा नाम हरजब कौर है, मैं 3rd सी में पढ़ती हूँ।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि रॉक गार्डन का निर्माण किस व्यक्ति द्वारा करवाया गया और यह निर्माण जो है किस तरह से करवाया गया। चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान, यहाँ का रॉक गार्डन दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस गार्डन में शुमार है। इंडिया के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेक चंद ने वेस्ट मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेक चंद ने 1957 में यह नेक पहल की थी। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार कर सके। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रॉक गार्डन का निर्माण जो है किस व्यक्ति द्वारा करवाया गया और किस तरह से यह निर्माण करवाया गया। चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान, यहाँ का रॉक गार्डन दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस गार्डन में शुमार है। इंडिया के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेक चंद ने वेस्ट मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेक चंद ने 1957 में यह नेक पहल की। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार कर सके। पंजाब के रहने वाले नेक चंद ने लोक निर्माण विभाग में 1951 में सड़क निरीक्षक के तौर पर काम करते हुए प्रसिद्ध सुखना झील के निकट जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके औद्योगिक और छोटी शहरी कचरे की मदद से वहाँ एक बगीचा सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू करवाया था, जिसे आज हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। कोर्ट के एडवोकेट पी के राघव जी मेरे साथ मौजूद है रॉक गार्डन में। इनसे जानेंगे कि रॉक गार्डन का महत्व और क्या कुछ इनको यहाँ पर अलग लगा। जी सर, मैं पहली बार चंडीगढ़ आया हूँ और यहाँ का रॉक गार्डन देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी का काम हो नहीं सकता जिनके नाम पे गार्डन बना है। इतने खूबसूरत तरीके से टूटी प्लेटों का और इलेक्ट्रिक आइटम्स का जो एक रूप दिया है कलाकृति के रूप में, देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। सर, टेकचंद जी द्वारा यह बनाया गया था, इसकी नेकचंद जी द्वारा, सॉरी, तो आपको इसके बारे में क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने जैसे बताया फर्स्ट टाइम, इतना पता लगा कि यहाँ का देख कर उन्हें लोग विदेश में ले गए थे और विदेश में इससे भी खूबसूरत और चीज़ें बनाई हैं उन्होंने। तो ये कला थी, उन्होंने कचरे से एक सुंदरता का, एक कचरे में कितनी सुंदरता बन सकती है, इसका मतलब ये है कि आप सुंदर चीज़ों को कितना कचरे में फेंकते हैं वो समझ सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.